हम सब लोग कहते थे, इसमें से भी बहुत सारे लोगों ने कार सेवा में भाग लिया होगा, हम कहते थे राम लला हम आएंगे, कहते थे ना बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो इस प्रकार से नारों का उद्घोष होता था और लंबा समय लंबा कालखंड बीत गया। ये काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है, प्रभु राम के मंदिर के शुभारंभ का निमंत्रण भी अब पहुंचने लगे हैं। पूरा अब ये जनवरी का माह भगवान राम के मंदिर का भगवान राम लला विराजमान हो रहे हैं, आ रहे हैं, रास्ते में आ गए हैं, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आए और हमारे प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी उनके पावन हाथों से राम भक्तों के लिए वो भगवान राम का मंदिर खुल जाएगा और हम सब लोग भी दर्शन कर लें, अयोध्या पहुंचेंगे। यहाँ से विशेष व्यवस्था होगी, हर जगह से व्यवस्था हो रही है, पूरे देश भर के लोग जा रहे हैं, वो जिनको भी बुलाया जाएगा। अब जरा सोचिए कि रामलला के दर्शन होंगे, हमने कितने कठिन संघर्षों के बाद ये मंदिर निर्माण किया है। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, आप जानते हैं उसका पहला प्रसाद किसको गया था? उसका पहला प्रसाद अपने ही अनुसूचित समाज के महावीर भाई के घर में जो है प्रसाद दिलवाया गया था। क्योंकि हम लोग सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, आपस में जो सही मायने में प्रेम होता है उस पर विश्वास करते हैं। भाइयों बहनों, आज का ये सम्मेलन भी निश्चित रूप से ये एक नई दिशा देगा और इसमें दिन भर जो हम लोगों ने यहाँ पर आपस में चिंतन किया है, मंथन किया है, और इस मंथन चिंतन से एक अमृत निकलेगा और देश जिस तेजी से पिछले 9 सालों में आगे बढ़ा है, देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरे विश्व फलक पर आज चमका है, पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है। आज भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी रहने वाले जो भारतीय हैं, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा होता है जब लोग पूछते हैं कि अब भारत शक्तिशाली भारत बन रहा है, अब ये भारत सामर्थ्य वाला भारत बन रहा है, अब ऐसा भारत बन रहा है जो आने वाले समय में दुनिया को दिशा दिगंत देने का काम करेगा। आप देखिए कितनी सारी चुनौतियां आई, उन चुनौतियों में भी भारत ने सारी चुनौतियों को पार किया है। अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ, उस G20 के सम्मेलन को जिस प्रकार से सफलता मिली, जिस प्रकार से दिल्ली का रेजुल्यूशन पास हुआ, अफ्रीका के जी समूह में उनको सम्मिलित किया गया, ऐसे अनेकों काम, 112 आउटकम आए उसमें से, अपने आप में बहुत बड़ा काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जिस प्रकार से आज अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और समाज के शोषित और वंचित वर्ग के लिए काम हो रहा है, देश की आजादी के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। अब हमारी बारी है, इस बारी को जो है हमें आगे बढ़ाना है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार उत्तराखंड में आप सबके उत्थान के लिए, इस समाज के विकास के लिए दिन रात कार्य करेगी और जो भी निर्णय हमको लेने होंगे वो हम प्राथमिकता से उन निर्णय को लेंगे। और कुछ लोग बीच बीच में कुछ भ्रांतियां भी फैलाते हैं कि संविधान बदल देंगे, ऐसी वैचारिक भ्रांति फैलाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। संविधान दिवस मनाने की पहल अगर किसी ने देश के अंदर की है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। बाबा साहब के नाम से पंचतीर्थ बनाए हैं, आप सब जानते हैं, ये काम उन्होंने ही किया है। महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, है? और अंबेडकर जी का, बाबा साहब का जो भी सपना है उसको साकार करने के लिए हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। अंत में जो हमारे भाई समीर ने जो बड़ा एक हमको यहाँ पर एक पत्र दिया है जिसमें बहुत सारी बातों का उल्लेख है, मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उसका हम पूरी तरह से परीक्षण करेंगे, उसको अपने कार्यक्रमों में जहाँ सम्मिलित कर सकते हैं उसको निश्चित रूप से सम्मिलित करेंगे, क्योंकि अच्छे सुझाव हैं। और हाँ, अभी सागर में जो है रविदास जी का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है सागर। मैंने इसलिए कहा कि मैंने भी सागर में 3 साल तक पढ़ाई करी है,
आठवीं नवीं और दसवीं। हाँ, रविदास जी का इतना बड़ा मंदिर 100 करोड़ रुपए की धनराशि से वहां बन रहा है। ये काम जो जो मैंने बताया या अन्य लोगों ने बताए, ये काम पहले भी हो सकते थे, आखिर ये काम अभी क्यों हो रहे हैं? ये प्रश्न है कि ये काम पहले भी हो सकते थे, आज हो रहे हैं, तो आज इच्छा शक्ति है, आज मन में भाव है कि इस समाज का उत्थान करना है, इस समाज को आगे लाना है, इसलिए ये सब काम हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बधाई देता हूं और इस आशा विश्वास के साथ कि देश की आजादी के अमृतकाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आशीर्वाद और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश अपने अमृत जो संकल्प है उन संकल्पों को पूर्ण करेगा, उसमें हम अवश्य सफल होंगे। आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा और संपूर्ण विश्व में भारत की पताका फहरेगी और आप सब लोग इस स्वर्णिम काल के सहभागी बनेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो तीसरी टर्म है उन्होंने कहीं से घोषणा नहीं करी, उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि से घोषणा करी कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प उन्होंने रखा है। उस संकल्प को पूर्ण करने में हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देना है और बड़ा योगदान हमारा जो है अभी पार्टी का जो महायज्ञ आ रहा है, इस महायज्ञ में भी जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उस महायज्ञ में हम सबको एक एक आहुति देकर भारत को दुनिया के मानचित्र में सिरमौर बनाना है। ये सब काम हम सब करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बड़े उत्साह से बड़ी ऊर्जा से यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और नई ऊर्जा के साथ हमारे संगठन को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आप सबका एक बार फिर से दिल से मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो आपकी खड़ा हो रहा था, आपने हरी